महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एडवोकेट नंदा पराते के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई के विरोध में आंदोलन किया गया। साथ ही मोदी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसके साथ ही गैस सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी का जीना दुश्वार हुआ है। सामान्य जनता बढ़ती महंगाई से परेशान हो गई है। आए दिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से हर चीज के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे मध्यम वर्ग, गरीब, मजदूरी करने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए आज मोदी सरकार के विरोध में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस द्वारा एडवोकेट नंदा पराते के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। आज जो बीजेपी ने एवढी महागाई वाढून दिली आहे की आज जे गरीब जनता आहे त्या गरीब जनतेजवळ पेट्रोलसाठी, खाण्यापिण्यासाठी, कोणत्याच गोष्टीसाठी आज पैसा उरला नाही। कमाई एक रुपयाची वाढली नाही आणि खर्चा 100 रुपयाचा वाढला आहे। गरीब जनतेने कसं जगावं हा मोठा प्रश्न आज पूर्ण देशाच्या समोर उभा आहे। आणि म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमाने आम्ही हा आंदोलन घेतलेला आहे। राहुलजींनी हा आंदोलन पुकारलेला आहे की जे पेट्रोलचे भाव वाढले आहेत, डिझेलचे भाव वाढले आहेत, खाण्यापिण्याचे भाव वाढले, सिलेंडरचे भाव वाढले। म्हणजे पहिले जो सिलेंडर 400 रुपयामध्ये भेटत होता, आज तो सिलेंडर 1000 वर गेला। आणि पहिले कमाई तरी मोठी होती, पण आज लोकांच्या हाताला काम नाही। बेरोजगारी या देशामध्ये वाढली आहे आणि मोदी सरकारची झोप उघडत नाही। म्हणून आम्ही हे ताटवाटी आंदोलन करून त्यांची झोप उघडण्याचा प्रयत्न आम्ही करून राहिलो। कोरोना के दौरान कई लोग बेरोजगार हुए हैं, ऐसे में आए दिन जरूरतमंद चीजों के बढ़ते दामों से जनता परेशान है। लेकिन मोदी सरकार कुंभकर्णीय नींद से जागने को तैयार नहीं, इसीलिए आज ये महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार के विरोध में आंदोलन किया गया। आए दिन कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या पेट्रोल डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कमी होती है या नहीं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।